ये देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे जातिवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद है हमारे देश का। तो जो सरकार की बात ना करे वो सब अपराधी है, और अपनी अपनी बात अगर रखना यहाँ पे अपराध है तो मैं ये अपराध कर रही हूँ और इस अपराध की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर हम लोग मंदिरों में जाना बंद कर दें तो नो डाउट आप कहिए मंदिरों का धंधा बंद हो जाएगा। कि हम लोग यहाँ आरक्षण आरक्षण कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण है कहाँ ये तो सोचिए। ये अटल जी का प्लान था कि निजीकरण कर दिया जाए, अटल जी का प्लान था। अटल जो पेंशन खत्म कर दिए और पेंशन की खा के मरे, लेकिन उन्होंने पेंशन खत्म कर दिया। उनका ही प्लान था कि निजीकरण कर दिया जाए, जिससे कि ना रहेगा सरकारी नौकरी, ना देना पड़ेगा आरक्षण। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों ने इस मंच पर यहाँ पर आकर के आप लोगों ने अपने ही लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके लिए अपने ही लिए आप लोग जोरदार तालियों से अपना ही स्वागत करें। अब साथियों, यहाँ पे हम लोगों ने जो ओबीसी महासभा की जो मांगे हैं, इन सारी मांगों से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ। क्योंकि जब ओबीसी में तो वर्तमान सरकार ने क्रीमी लेयर ढूंढ लिया है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस की नीति लागू की है, स्वर्ण आरक्षण का जो ईडब्ल्यूएस ने नीति लागू की है वो क्या है? उनकी स्वर्णों में तो उन्होंने गरीब ढूंढ लिया। क्या ओबीसी में गरीब नहीं है? बताइए, गरीब नहीं, उसमें क्रीमी लेयर है। और हम लोग पर इतना अत्याचार क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जुडिशरी में हमारे लोग नहीं है, जुडिशरी में हमारे जज नहीं है, मीडिया में हमारे लोग नहीं है, और हमारे ऊपर जो अत्याचार होता है उसमें फिर लिपा पोती पहले समाज के ये जो स्वर्ण कैटेगरी के लोग हैं, और वो हमारे जरिए ही हम लोग के ऊपर अत्याचार करवाते हैं। रीजन क्या है कि हम लोग बटे हुए हैं, सारे लोग अपना अपना छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं। कि एससी का अलग चल रहा है मंच, एससी का अलग चल रहा है मंच, ओबीसी का अलग चल रहा है मंच। अगर इसमें भी देख ले तो ओबीसी में भी इतने ढेर सारे कास्ट हैं, और एससी में भी इतने ढेर सारे कास्ट हैं, एसटी में भी इतने ढेर सारे कास्ट हैं, कि सब अपना छोटा छोटा गुट लेके बैठे हुए हैं और इकट्ठे नहीं हो रहे। हम लोग की कमजोरी का यही एक सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन हम लोग की कमजोरी का यही है। और अभी इस मंच से थोड़ा सा मैं इस पे ऐतराज करूंगी, इस मंच से बोला गया कि ओबीसी आएंगे फिर से सत्ता में, एससी एसटी को क्यों नहीं जोड़ा गया? भाई उनका भी नाम लिया जाए ना। अगर आप इज्जत नहीं दोगे तो आप इज्जत नहीं पाओगे। मुझे ये इस मंच में बुलाया गया, आप लोगों ने इस मंच पे मुझे बुलाया, और यहाँ मेरा भी प्रोग्राम है, और इसमें यही है। आप लोगों का तहे दिल से आभार करती हूँ कि वो नीति मत चलाओ आप लोग जो बीजेपी या कांग्रेस चलाती है नीति, कि आप तो जिससे और उसके बाद फिर काम आपका खत्म हो जाएगा, फिर अन्य लोगों को भीड़ को आप उठा के फेंक देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये वादा खिलाफी तो नहीं चलेगी। तो एससी एसटी ओबीसी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप ये देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे जातिवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद है हमारे देश का। यहाँ पे यदि मुस्लिम तो घोषित आतंकवादी हैं, वो अपने अधिकारों की बात करते हैं तो आतंकवादी हैं। एससी अपने अधिकारों की बात करता है तो नक्सली है। एससी और ओबीसी भी अगर शामिल हो जाए अपने अधिकारों की बात करे तो वो भी नक्सली है। सबको मिल करके और सिख अपने अधिकारों की बात करे तो वो खालिस्तानी है। तो जो सरकार की बात ना करे वो सब अपराधी है, और अपनी अपनी बात अगर रखना यहाँ पे अपराध है तो मैं ये अपराध कर रही हूँ और इस अपराध की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप यहाँ पे देखिए जो जलोर में घटना घटी,
यहाँ पे 8 साल के मासूम को इंद्र मेघवाल को उसके उसके हेडमास्टर के द्वारा मार दिया, पीट पीट के मार दिया गया। उसका सिर्फ एक बोध था कि छुआछूत, उसने पानी पी लिया था अपने हेडमास्टर के घड़े से। अब वो छोटा सा बच्चा, और उसके बाद क्या हुआ, लीपा पोती मीडिया की स्टार्ट हो गई कि भाई वो पहले से बीमार था और इसलिए वो पीटा गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, रोहित वेमुला की भी जब हत्या होती है, वो भी संस्थानिक हत्या हम कहेंगे, वो उसको आत्महत्या हम नहीं कहेंगे। कितने मुश्किल से हमारे बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं, फिर वहाँ उनको उन संस्थानों में उनको जातिवाद जैसे घृणित सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, उनको ताने दिए जाते हैं, फिर वो डिप्रेस होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। तो रोहित वेमुला को भी कहा गया कि वो डिप्रेशन में था। पायल तड़वी को देख लीजिए, उसको भी यही कहा गया कि वो डिप्रेशन में थी। तो मतलब हमारे बच्चे इतने मुश्किल से आगे बढ़े और फिर उसके बाद उनको जातिवादी ताकतें वहां करके उनकी हत्या करें। अब यहाँ चलिए हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि का देखिए, और जो बंडा की बेटी है अभी जिसका अभी रेप हुआ, और आप बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने वहां पे सब जमाव किया, वहां पे सरकार से आप लोगों ने मांग की, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज होनी चाहिए। और ये हर जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जैसे कोई घटना घटे हम लोग कोई इकट्ठे हो करके वहां पे हम लोग तुरंत धरना मोर्चा बंद सारी चीजें करनी चाहिए हम लोग। अब यहाँ पे जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, और वहां पे उसको अब उसके लीपा पोती मीडिया ने क्या कहा, मीडिया ने कहा उसकी माँ ने और उसके भाई ने ही उसकी हत्या की, और अगर हत्या की तो रात के अंधेरे में ही वहां शासन प्रशासन द्वारा वहां पे पेट्रोल डाल करके उस बच्ची का लाश जला दिया जाता है। एनसीआरपी की जो रिपोर्ट है हर साल दलित महिलाओं और बच्चों पर और दलित समाज पर हर साल उनपे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और ये अत्याचार आप समझेंगे नहीं कि ये इसमें तो कुछ लोग स्वर्ण कैटेगरी के होते हैं, लेकिन कुछ लोग एससी एसटी को, महिलाओं को, बच्चों को हमारे द्वारा ही मरवाते हैं। रीजन ये कहते हैं कि ओबीसी एससी एसटी से बड़ा है, एससी में भी कुछ कास्ट आते हैं, बोलते हैं आप जमार, आप धोबी, आप वाल्मीकि से बड़े हैं, आप पासी से बड़े हैं, इसी तरह कर करके सबको बांटा हुआ है। अब ये जब तक बंटवारा खत्म नहीं होगा और सब एक मंच पे नहीं आएंगे, अपने अंदर तो तार्किक बुद्धि होनी चाहिए कि हम लोग को ये बोला गया है कि हम लोग सबसे बड़े, अगर हम लोग मंदिरों में जाना बंद कर दें तो नो डाउट आप कहिए मंदिरों का धंधा बंद हो जाएगा, और अगर इसके पीछे सबसे बड़ी कमजोरी, इसमें मैं ये कहूंगी जेंट्स भी होते हैं लेकिन महिलाएं अपने हस्बैंड को खींच के मंदिर ले जाती हैं। आप एक बात बताइए, किस धर्म में ये बोला गया है कि महिलाएं पुजारी बन सकती हैं? क्या इस्लाम में बोला गया है? क्या हिंदू धर्म में बोला गया है? क्या सिख धर्म में बोला गया है? क्या ईसाई धर्म में बोला गया? नहीं बोला गया है। लेकिन अगर जो संविधान के हिसाब से चलेगा वो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकती है। तो क्या जरूरत है जब आपको सारा अधिकार आपको संविधान से मिला है? हाँ, एक चीज मैं सोचती हूँ कि वैकेंट हो जाता है लोगों का, खालीपन हो जाता है लोगों का कि अब करें तो क्या करें, 30 त्योहार का जो चीजें होती है, अब इस दिन हम क्या करें, वो चीज महिलाओं को बहुत दुख देता है। तो इसमें आप अपने 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 समाज के जो महापुरुष है, अपने अपने माँ बाप को ही पूजे ना, दिक्कत क्या है इसमें? उसी में अपना नाच गाना, त्योहार बाजी, सारी चीजें करें, आपको क्या जरूरत है वहां जाकर के, मंदिर में जाकर के जहां आपको 4-5 दिन वैसे ही आने को मना कर दिया गया है, आप वहां 30 दिन क्यों जाती है? मुझे तो ऐसा कहा गया, मैंने जब बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा तो मुझे यही वहां उसमें सुना गया कि स्त्री 5000 साल से अगर SC ST OBC का ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसमें स्त्री भी अलग कैटेगरी की है,
स्त्री का हर जगह वो जो भी जिस स्त्री कास्ट की है उस पर अत्याचार हो रहा है। और तो एक तो सबसे बड़ी बात, किसी अगर महिला है वो दलित है और महिला है तो समझिए उसके ऊपर तो महा अत्याचार है। वो अपने भी घर में अत्याचार सहेगी, बाहर भी अत्याचार सहेगी। तो अब उस चीज के लिए सब लोगों को ये लगता है कि जो सवर्ण कैटेगरी को बहुत अच्छे अमीर है, 40%, 20%, 30% लोग है, सारा सारा संसाधन उनके पास में है, सब चीजें उनके पास में है। और जब वो मुगल आए हमारे देश में, उन्होंने मुगलों के साथ अपने रोटी बेटी का समझौता किया। जब अंग्रेज आए उनके नौकर वो बने, इसलिए उन लोगों ने अपनी सारी चीजें बनाई रखी। और हम लोगों ने क्या किया, SC ST OBC ने क्या किया, हम लोग अंग्रेजों से लड़े अपनी चीजें बचाने के लिए, इसलिए हम लोग के ऊपर ना जाने कौन कौन से चार्जेस जराया, ये सारी चीजें लग गई। तो आखिर इन लोग को हम लोग, और जो हम लोग को जो मना भी है कि हम लोग नहीं जाएं, हम लोग किसी मंदिर में नहीं जाएं, किसी जगह नहीं जाएं, तो फिर हम लोग को जाने की जरूरत ही क्या है। ब्राह्मणवाद देखिए, ब्राह्मणवाद मनुवाद सिर्फ ब्राह्मणों में ही नहीं है, वो हमारे अंदर भी है। अगर हम लोग अपनी ही महिलाओं से, अपने ही बच्चों से, अपने ही गरीब तबकों से उसी तरह का व्यवहार करते हैं जो सवर्ण कैटेगरी कहती, तो हम भी मनुवादी हैं। इस चीज को मानिए और इकट्ठे होकर लड़िए, नो डाउट जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। और इसमें सबसे पहली बात है, आप लोग अपने घर की महिलाओं को समझाएं। और देखिए, नहीं समझ में आता है तो मुझे बुलाएं, क्योंकि मैंने खुद ही इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें झेली हैं और ये चीजें मैंने समझी हैं खुद से। अब यहाँ पे आप देखिए, दर साल महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, योगी सबसे नंबर वन पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जिसमें दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है। और ये जब हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर के यहाँ पे लाल किले से बोल रहे थे कि 15 अगस्त को जब बोल रहे थे कि महिलाओं का सत्कार होना चाहिए, हर जीव में भगवान है, महिलाओं का आगे बढ़ाना चाहिए, उसी दिन बिल्किस बानो के सारे जो दोषी थे उन लोग को, 11 दोषियों को छोड़ा गया। आप समझिए वहां प्रधानमंत्री तो क्या बोल रहे हैं और हो क्या रहा है। गुजरात की सरकार ने इतने 11 अपराधियों को छोड़ा गया, और क्या कहा गया कि ब्राह्मण के तो कर्म, हमारे बीच में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद परम सम्मानी राजमणि पटेल जी आ गए हैं, तो उनका आज के इस धरना प्रदर्शन में हार्दिक स्वागत है। वो आगे आ जाएं और सम्मान से अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जिनके ओबीसी महासभा के ग्वालियर में सदस्यता लेने से ओबीसी महासभा के अंदर जो क्रांति आई है, 10 गुना जो जोश बढ़ा है चंबल टाइगर प्रीतम लोधी का, इस कार्यक्रम में जोरदार तालियों से स्वागत करें, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी अपनी बात को संक्षेप में रखें। जिंदाबाद। तो साथियों, उसी दिन बिल्किस बानो के सारे दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। जिस दिन प्रधानमंत्री वहां लाल किले पे खड़े होकर के जब वो बोलते हैं कि महिलाओं के हक अधिकार की बात होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ आरक्षण कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण है कहाँ, ये तो सोचिए। ये अटल जी का प्लान था कि निजीकरण कर दिया जाए, अटल जो पेंशन खत्म कर दिए और पेंशन की खा के मरे, लेकिन उन्होंने पेंशन खत्म कर दिया। उनका ही प्लान था कि निजीकरण कर दिया जाए, जिससे कि ना रहेगा सरकारी नौकरी, ना देना पड़ेगा आरक्षण, ये उनका प्लान था। तो आखिर अब ये कैसे होगा। और ओबीसी के जो बच्चों के साथ में आप अगर देखिए तो EWS वाले जो हैं, वो ओबीसी से कम नंबर ला करके बची खुची नौकरियों में वो लोग घुस जाते हैं। अब ओबीसी का हक क्या है, कितने कितने परसेंट SC ST OBC हमारे जज हैं,
जरा ये खुल के बताए सरकार, कितने परसेंट मीडिया में है बताए सरकार। अगर हमारे मीडिया में, हमारे जज में, जुडिशरी में, ज्वाइंट सेक्रेटरी में ये लोग अगर हमारे जगह, अगर हमारे लोग होते तो हमारे साथ ये सारी चीजें नहीं होती। तो सीधी बात है, अपने हक अधिकारों की मांग करें, आगे बढ़े, संगठित रहें और संघर्ष करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ओबीसी समाज।